हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। आज के टॉपिक का कार्ड रीडिंग है वो है जी येस और नो रीडिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका लव इंटरेस्ट है, कोई सक्सेस का, एग्जाम का, या कोई भी किसी किस्म का भी आपके माइंड में क्वेश्चन इस टाइम है, आप उसको लेकर के काफ़ी मतलब आप सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में ये रीडिंग है गाइस। आपके सामने 3 बटरफ्लाइज हैं, 1 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 3 रेड। आप अपना बटरफ्लाई चूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हो वो चूज़ करो, और 2 या 3 क्वेश्चंस भी आप चूज़ कर सकते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। तो आप अपना बटरफ्लाई चूज़ कर लें, कोई जैसे एक क्वेश्चन के लिए एक बटरफ्लाई और अगले क्वेश्चन के लिए दूसरा, इस तरह करके, ठीक है? तो आप अपना बटरफ्लाई चूज़ कर लीजिए अपने क्वेश्चंस के अनुसार, तो मैं आपसे फिर रीडिंग में मिलूँगी। हेलो ग्रुप वन, अगर आपने ब्लू बटरफ्लाई चूज़ किया था, आइए देखते हैं के जी आपका क्वेश्चन क्या है। रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है, एंड एंड तक, क्योंकि मैं ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है, तो आपको एक एक क्वेश्चन, क्योंकि हर कार्ड डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला कार्ड मैं निकालूंगी आपके करंट स्टेट का, कि अभी आपके क्या है स्टेट। ओके, दूसरा कार्ड है जी यस और नो, आपका आंसर, दिस इज यस और नो। एंड तीसरा कार्ड है कि क्या फ्यूचर में डिवाइन अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके जो करंट सिचुएशन है उसमें ये 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। अपने क्वेश्चन को लेकर के, अपनी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत क्यूरियस हो और बहुत प्रे भी करते हो, ठीक है? दिस इज योर करंट स्टेट। एंड आपने बहुत जगह देखा भी है, बहुत लोगों से पूछा भी है इसके बारे में, एंड हमारे टैरोट रीडिंग्स भी आप देखते हो उसको लेकर के, एंड बट एक बहुत ही क्यूरोसिटी का कार्ड होता है, क्यूरियस हो, बट यू आर पॉजिटिव, यू आर मतलब आप इसको लेकर के पॉजिटिव हो कि अच्छा ही होगा। ओके, अब हम देखते हैं येस और नो। शेडो साइड गाइज, बात यह है कि आपके जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी है, ठीक है? या तो कोई आपकी अपनी ही नेगेटिविटी है, या फिर समबडी एल्स इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कोई और है जिसकी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। एंड गाइस, वो सिचुएशन को चाहता नहीं है कि जिस तरह आप चाह रहे हो उस तरह हो, ठीक है? बट स्टिल 1 कार्ड इज़ देयर। मैम, देखते हैं कि डिवाइन ने क्या रखा है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइड, डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये भी कुछ छुपाने का कार्ड होता है, कि समबडी इज़ हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है? कोई आपसे चीज़ें को छुपाने की कोशिश कर रहा है, एंड जो डिवाइन है वो आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर, पहली तो बात है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस सिचुएशन से निकल जाइए किसी भी तरह से, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड नहीं हैं। बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू बी देयर, अगर आप स्टिल ये चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज के कोई फिशी होगा, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, ठीक है? आई होप यू गॉट योर आंसर। हेलो ग्रुप टू, अगर आपने ग्रीन बटरफ्लाई चूज़ किया, आइए देखते हैं जी आपका क्वेश्चन के आंसर में यस है या नो है।
गाइस बहुत छोटी रीडिंग है, एंड तक देखिएगा, एक एक कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होगा। आप रीडिंग देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। पहला कार्ड मैं निकालूंगी क्या आपकी करंट सिचुएशन, दूसरा कार्ड होगा आपका आंसर यस या नो, तीसरा कार्ड होगा कि डिवाइन क्या चाहते हैं। आपकी करंट सिचुएशन है जी दिस वन, ओके, ये है जी आपका यस या नो आपका आंसर। ओके, थर्ड कार्ड है जी डिवाइन क्या चाहते हैं, क्या फ्यूचर में डिवाइन कुछ अपने डिसीजन में चेंज कर सकते हैं आपके, या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आपके इस क्वेश्चन को लेके। ओके, तो जी करंट सिचुएशन है आपकी, ओके जी करंट है जी आप पेज ऑफ वॉन्स है, मतलब आप काफ़ी इस बात को अपने क्वेश्चन को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हो, आप यही चाहते हो कि इसका आंसर पॉजिटिव में आए, एंड ये कि आप काफ़ी चाहते हो इसके लिए काफ़ी पैशनेट हो और काफ़ी अरसे से इसके बारे में सोच रहे हैं, एंड अब काफ़ी हद तक योर ऑप्टिमिस्टिक इसका आंसर यस में ही आएगा। ओके ओके, दिस इज़ योर आंसर यस और नो। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्स, एब्सोल्युटली यस, वेरी कॉन्फिडेंट यस आपका काम होगा और बड़ी पावर के साथ होगा। अगर कोई भी है वो रुकावट, वो भी फोर्सफुली भी रुकावटें तोड़ दी जाएंगी अगर कुछ है तो, ठीक है। तो आपका आंसर यस में है और बड़ा पावरफुल यस है यहाँ पर मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, ठीक है, इसको अचीव करने में, इसको पाने में। ओके, आइए अब डिवाइन की मर्जी देखते हैं क्या है। वाओ, एब्सोल्युटली यस, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने बिज़नेस के लिए देखा था, डेफिनेटली सक्सेस के लिए देखा था, बहुत ज़्यादा इधर पैसा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ठीक है। अगर आपने शादी वगैरह के लिए भी देखा था, बहरहाल एब्सोल्युटली यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच एंड बहुत ज़्यादा आपको लविंग केयरिंग होने, अकॉर्डिंगली जो भी आपका क्वेश्चन था, दिस इज़ अ पावर पावर पावरफुल यस फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप टू। हेलो ग्रुप थ्री, अगर आपने रेड कलर का बटरफ्लाई चूज़ किया था, आइए देखते हैं जी आपके क्वेश्चन का आंसर यस में या नो में है। गाइस बहुत छोटी रीडिंग है, एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो हर कार्ड का डिफरेंट मीनिंग है, मैंने तीन ही कार्ड सिर्फ निकाले हैं आपके सिचुएशन से रिलेट करके। तो ये तीन कार्ड मैं निकालूंगी, पहला कार्ड निकलेगा जी आपकी करंट सिचुएशन पे, दूसरा कार्ड निकलेगा आपकी यस या नो आपका आंसर, ठीक है, एंड थर्ड कार्ड विल बी के डिवाइन की क्या मर्जी है। ओके, तो पहला कार्ड मैं निकालने लगी हूँ जी आपकी करंट सिचुएशन, ओके दिस इज योर करंट सिचुएशन। दूसरा कार्ड है जी गाइस आपका के आपको मतलब या आपका आंसर यस में है या नो में है। ओके, दिस इज योर आंसर, एंड थर्ड कार्ड है जी डिवाइन क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या डिवाइन की क्या मर्जी है आप में। फाइनल आउटकम क्या होगा, ओके जी, ये हैं जी तीन कार्ड्स आपके,
ओके गाइस, तो पहला कार्ड है जी आपकी करंट सिचुएशन पे, ओके स्ट्रेंथ कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रेंथफुल फील कर रहे हो, आप स्ट्रांग फील कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हो जाए एंड आपको 100% श्योरिटी है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं है कोई इस पर, मतलब योर फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग आप फील कर रहे हो कि हो जाएगा आपका काम। आप जिस भी चीज़ के लिए आपका क्वेश्चन है, आपकी उसके लिए प्रेपरेशन अच्छी है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है उस चीज़ के साथ, आपका उस चीज़ के साथ काफ़ी आपने उस पर मेहनत की है, काफ़ी उस पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर गाइस, वाह विक्ट्री, सिक्स ऑफ वंड्स, 100% विक्ट्री, आपको इसमें विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और जो भी आपको चाहिए, अगर आपने वेल्थ के लिए फेम के लिए देखा था, डेफिनेटली आपको वेल्थ फेम पब्लिक रिकग्निशन एवरीथिंग यू विल गेट इट, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू गोना गेट दैट पर्सन, आपको सोलमेट के लिए देख रहे हैं, आपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख लें, जो भी था आपको सक्सेस मिलेगी एंड यू विल कम विद विक्ट्री, ऐसे हाथ में जो भी आप विक्ट्री का पकड़ करके ट्रॉफी या जो भी मैरिज है, मैरिज सर्टिफिकेट जो भी है, बहरहाल आपका 100% देयर इज़ 110% यस, ठीक है। डिवाइन की क्या मर्जी है, डिवाइन क्या फ्यूचर में अपना डिसीजन बदल सकते हैं, नो ना, डिवाइन कह रहे हैं जी कि आपको न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, जो भी पुराने मसले थे उसको छोड़ करके आपको न्यू स्टार्ट करना है, पुरानी बातों को भूल जाए, शायद पॉसिबिलिटी है, आप काफ़ी पुरानी बातों को शायद तो आप में से कोई है जो लेकर के बैठता है एंड नेगेटिव थिंकिंग करता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं इट्स बैड, आपके लिए यस है, आपके लिए विक्ट्री है, आपको पुरानी बातें छोड़नी है, नेगेटिविटी पास्ट को रिलीज़ करना है, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पास्ट में आपके रहे हैं तो आपको उनको भुलाना है और आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ये था जी आपके आंसर्स, ये थी आपके रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, अब रखिएगा ढेर सारा ख्याल, बाय बाय।